इन आपने अखबारों और भारत देश की जो मीडिया 150 नंबर पे आती है उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कभी जिन्ना को, कभी गांधी को, तो कभी कांग्रेस को ब्लेम किया जाता है। और आज के समय में ये कोई मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस इस बात को साफ नकारती है, लेकिन विपक्ष गांधी और कांग्रेस को ब्लेम करती है। अगर कांग्रेस ने भारत के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो कैसे? क्या कांग्रेस सच में चाहती थी भारत का विभाजन हो, या फिर कांग्रेस की छोटी मोटी गलतियों के कारण भारत का विभाजन हो गया? देखिए, आप लोग भी समझदार हैं, अगर हम किसी इंसान को यहाँ पे ब्लेम करें तो ब्लेम करना बहुत आसान रास्ता होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 3 मेजर पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आखिर भारत के विभाजन में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, किनकी गलतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ और अखंड भारत का सपना टूट गया। जब तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ। देखिए, देश में पहला और सबसे बड़ा मेजर पॉलिटिकल इवेंट था महात्मा गांधी का भारत आना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी बम्बई यानी कि आज के मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे, जहां पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उस समय कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी सर्वानंद और एनी बेसेंट से लेकर बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े लीडर हुआ करते थे। और उस समय तय था कि कांग्रेस की कमान मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी सर्वानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक के हाथों में आने वाली है। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद सारा गेम पलट सा गया और 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। और उसके बाद कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का क्रेज बढ़ चुका था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट लाया गया, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, और उस समय प्रेस की स्वतंत्रता को लिमिट कर दिया था। फिर क्या था, महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उस समय बाल गंगाधर तिलक देश से बाहर थे और वो अपने खिलाफ हुए केस को लड़ रहे थे। जब तक बाल गंगाधर तिलक भारत वापस आते, महात्मा गांधी जी ने अपना एक स्थान बना लिया था लोगों के बीच। लेकिन साल 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई और उस समय देखा जाए तो एनी बेसेंट और स्वामी सर्वानंद भी हास्य की ओर चल दिए थे। और उस समय देखा जाए तो बचे 2 लोग, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना एक सक्सेसफुल लॉयर हुआ करते थे, लेकिन महात्मा गांधी की तरह मास लीडर नहीं बन पाए। और फिर क्या था, उस समय देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर इतना कोई बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी एक स्थान बना चुके थे और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। जिन्ना को लगा अब उनका समय आ चुका है। फिर क्या था, जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और ये इवेंट इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि साल 1920 में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्या करते थे, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं किया करते थे। और फाइनली उन्हें कांग्रेस को छोड़कर जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉलिटिकल इवेंट के बारे में।
देखिए सेकंड मेजर पॉलिटिकल इवेंट से पहले हमें चलना होगा साल 1936 की तरफ, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा सीट जीती थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो कम से कम पश्चिम बंगाल और आपका पंजाब प्रांत में जीत जाए, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। देखा जाए तो उस समय कांग्रेस पार्टी को 760 सीट मिली थी, और वही देखा जाए तो मुस्लिम लीग को मात्र 109 सीट मिली थी, और उस समय मुस्लिम लीग छोटी पार्टी हुआ करती थी। इसके पीछे का रीजन ये था, मुस्लिम लीग हारी क्यों थी, अगर इसके पीछे के रीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता और मुस्लिम लोगों ने जिन्ना को नकार दिया था। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेजर पॉलिटिकल इवेंट के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है साल 1942 से, और इसी समय देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग की शुरुआत करेंगे। साल 1942 को कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। उस समय देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से लड़ने में बिजी थी, वहीं कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत को देश से भगाने के लिए मोर्चा खोल चुकी थी। हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि यह आंदोलन एकदम सफल हुआ था, लेकिन यह आंदोलन सफल बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि गांधी पर कई किताब लिखने वाले रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकारों ने इस इंसिडेंट को आज फेल इंसिडेंट बताया है। इसके पीछे का कारण था उस समय महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जेल में थे, और देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर थे। तो सवाल ये आता है कि कैसे हमें CBSE और खासकर NCERT बुकों में पढ़ाया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक सफल आंदोलन था, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर हुआ करते थे उस समय जेल में थे, तो ये आंदोलन सफल कैसे हुआ, आपने कभी सोचा दोस्तों? नहीं सोचा तो आज सोचिएगा जरूर। और ये सफल नहीं था, इसी समय देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, वैसे ही कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दे दिया, वही मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और कांग्रेस का जमीनी स्तर पर ना रहने का मुस्लिम लीग को बहुत फायदा हुआ। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जब जेल से बाहर आए, तब तक के तो सिनेरियो बदल चुके थे, मुस्लिम लीग और ज़्यादा ताकतवर पार्टी बन चुकी थी, और वो अब टेबल पर नेगोशिएट कर सकती थी। अभी तक हालात सही थे, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आकर मिलकर सरकार बना सकते थे, लेकिन साल 1946 के दिसंबर महीने में जब ब्रिटिश हुकूमत ने यह घोषणा की हम भारत को जल्द आज़ादी दे देंगे, देखिए इसी साल 1946 में अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि कैबिनेट मिशन के अंदर तीन लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, जिसमें लॉरेंस देखा जाए तो अध्यक्ष थे। तब क्या था, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को साथ मिलकर बैठ कर ये तय करना था कि आज़ाद भारत की पहली सरकार कैसी होगी, और इसमें कौन कौन बैठेंगे, और इसको कैसे चलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ बैठकर मुस्लिमों के लिए आश्वासन की मांग कर ली, क्योंकि आज़ाद भारत में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको भेदभाव का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कैबिनेट मिशन के लिए इनवाइट किया, और वहाँ पर साफ कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन के अंदर किसी भी प्रकार के पिछले मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हम नए सिरे से इस पर काम करेंगे, लेकिन जिन्ना जानते थे कि इतने सालों से जो मैंने मेहनत की है, जिन जिन मुद्दों पर मैंने सहमति दर्ज करवा रखी है, उन पर फिर से मुझे बहस
प्रयास करनी पड़ेगी। और कैबिनेट के मिशन के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो शायद हो सकता है मेरी बातों को रिजेक्ट कर दे। इसीलिए देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहीं पर अखंड भारत का सपना चूर चूर हो गया। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखोगे तो वहाँ पर आपको जिन्ना से बड़े विलन नेहरू नजर आएंगे, क्योंकि उस समय नेहरू अपने अहंकार में डूब चुके थे। नेहरू को लगता था कि 1936 की वो मुस्लिम लीग पार्टी है जिसे उस समय जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना ताकतवर बन चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले से ज़्यादा ताकतवर और पहले से ज़्यादा समझदार बन चुके थे राजनीति के अंदर। वही मुस्लिम लीग देखा जाए तो देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक ताकत से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को दबा सकते हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वो भूल गए थे। यहीं पे देखा जाए तो फाइनली क्या करा मोहम्मद अली जिन्ना ने, कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी पाकिस्तान के मांग को बहुत तेजी से कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कैंसर है और उनकी मौत कभी भी हो सकती है। यहीं पे देखा जाए तो कांग्रेस से चूक होगी। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस को पता होता तो मोहम्मद अली जिन्ना को कैसे भी मनाया जा सकता था कैबिनेट मिशन के लिए, क्योंकि 1947 में अखंड भारत आजाद होता और 1952 में हिंदुस्तान के अंदर आम इलेक्शन हुए थे, जब तक मोहम्मद अली जिन्ना टपक चुके होते और उनका नामो निशान मिट चुका होता। देखा जाए तो उस समय कांग्रेस देश के अंदर काफ़ी पॉपुलर थी और वो आसानी से देखा जाए तो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन जिन्ना भी एक चालाक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने सबसे अपने कैंसर की बात को छुपा के रखा था और उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को तेज कर दिया था। एक समय था जब जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करते थे, लेकिन उसी समय देखा जाए जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की तो उसी समय देखा जाए तो एक्शन डे की भी शुरुआत कर दी थी उन्होंने। और भारत के कई प्रांतों में जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी वहाँ पे हिंसा बढ़ा, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। आपने जरूर देखा सुना होगा टीवीओं पर। फिर क्या था, माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को झुकना पड़ा। उनके पास कोई चारा नहीं रह चुका था, क्योंकि कांग्रेस की हल्की सी चूक के कारण कहीं ना कहीं भारत को विभाजन करना पड़ा और अखंड भारत का सपना टूट गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1956 में अपने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया था, जब पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपने भारत के विभाजन को क्यों नहीं रोका, तो उन्होंने बोला हमने बहुत कोशिश की लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग पार कर चुके थे, हद से ज़्यादा आगे निकल चुके थे। फिर क्या था, हमें हार माननी पड़ी, हमें झुकना पड़ा। इतिहास के वो लम्हे थे, अगर कुछ अलग हुए होते तो आज उसके अंजाम अलग होते। थोड़ी सी चूक और गलतियों के कारण अखंड भारत का सपना टूट गया। लेकिन कहा जाता है कि ना, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित है, ये भागवत गीता में लिखा हुआ। एक दिन पाकिस्तान को ज़रूर देखा जाए तो भारत में मिला लिया जाएगा। आपके विचार क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।